क्वेश्चन नंबर 8, गेट इलेक्ट्रॉनिक्स 2015 सेट नंबर 3, कंसिडर द बोडे प्लॉट्स शोन इन द फिगर, एज्यूम दैट ऑल द पोल्स एंड जीरोस आर रियल वैल्यूड, द वैल्यू ऑफ एफ एच माइनस एफ एल इन हर्ट्स इज, देयर इज ए बोडे मैग्नीट्यूड प्लॉट शोन इन फिगर. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 8 है, गेट इलेक्ट्रॉनिक्स 2015 सेट नंबर 3 से क्वेश्चन था. बहुत ही सिंपल था आपके पास, कि बोडे मैग्नीट्यूड प्लॉट आपको गिवन था और आपको अननोन फ्रिक्वेंसीज के बीच का डिफरेंस निकालना है. एफ एच लिख रहा है आपके पास हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी और एक एफ एल लोअर फ्रिक्वेंसी, उन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना. हाँ, थोड़ा सा आपके पास क्वेश्चन में क्या था कि नॉर्मली हम लॉग स्केल में आपके पास ओमेगा लेते हैं एंगुलर फ्रिक्वेंसी, इस बार आपके पास क्वेश्चन में लीनियर फ्रिक्वेंसी के टर्म्स में था आपके. तो एफ एच माइनस एफ एल हर्ट्स में आपको फाइंड आउट करना था कि इसके बीच का डिफरेंस कितना होगा. ठीक है, तो दो आपके पास फ्रिक्वेंसीज हम फाइंड आउट करने वाले, एक एफ एल फाइंड आउट करने वाले. आपको क्वेश्चन में गिवन है स्लोप, गिवन है इस क्वेश्चन का. तो सपोज करो ये अगर ए पॉइंट है और अगर ये बी पॉइंट्स है, तो आपको ए और बी पॉइंट्स का मैग्नीट्यूड पता है 40 dB या 0 dB. आपको एक जगह आपको पता है कि बी पॉइंट पर फ्रिक्वेंसी कितना और ए पॉइंट का फ्रिक्वेंसी निकालना है, तो आप आराम से निकाल सकते हो आपके पास फ्रिक्वेंसी. तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ से अगर आपको स्लोप लिखना है, स्लोप इस जगह से ए बी का स्लोप लिखना है अगर आपके पास, तो वाई बी माइनस वाई ए लॉग बी वाले पॉइंट्स पे आपके फ्रिक्वेंसी लॉग ओमेगा बी माइनस लॉग ओमेगा ए. जी वाई बी माइनस वाई ए मतलब वाई बी की वैल्यू तो 40 dB है और वाई ए की वैल्यू 0 dB है. ये लॉग ओमेगा बी अपॉन ओमेगा ए हो गया, ओमेगा बी अपॉन ओमेगा ए. ये अब मेरे को पता है कि एंगुलर फ्रिक्वेंसी और लीनियर फ्रिक्वेंसी क्या होता है, ओमेगा इक्वल टू 2πf. अब फर्क नहीं पड़ता आपके पास कि दो फ्रिक्वेंसी, दो एंगुलर फ्रिक्वेंसी को डिवाइड करो चाहे दो लीनियर फ्रिक्वेंसी को डिवाइड करो, अगर दोनों जगह में 2πf पुट कर दिया, 2πfb अपॉन 2πfa, 2π कैंसिल आउट. इसका मतलब है कि मैं सेम वैल्यू को आपको लीनियर फ्रिक्वेंसी के टर्म्स में लिख सकता हूं, 40 ÷ log ओमेगा बी को आपके पास ये फ्रिक्वेंसी डायरेक्ट 300 लिख सकता हूं, क्योंकि 2π 2π कैंसिल आउट, तो 300 ÷ fl, तो log 300 ÷ fl ये आपके पास आ गया. और स्लोप आपके पास जो ए बी का जो स्लोप था क्वेश्चन में गिवन था, स्लोप की वैल्यू कितना है 40. तो अगर ये 40 गिवन है तो ये आ गया 40 ÷ 300 ÷ fl. सॉल्व किए हम लोग, लॉग 300 ÷ fl इधर आ गया, तो लॉग 300 ÷ fl इज इक्वल टू 40 ÷ 40 टू 1. तो लॉग 300 ÷ fl आपके पास इतना आ गया, तो शिफ्ट एंटी लॉग किए हम लोग, तो 300 ÷ fl शिफ्ट एंटी लॉग, दैट मीन्स 10⁻⁶ ये 1 है, तो 10⁻⁶, तो 10 आ गया आपके पास. तो fl की वैल्यू आ रहा है आपके पास 300 ÷ 10, 30 Hz आ गया, ये 30 Hz. इसका मतलब है कि ये आपके पास 30 Hz था, देखो ध्यान से, ये 30 Hz. ऐसे ही आपके पास हम सेकेंड फ्रिक्वेंसी fh फाइंड आउट कर सकते हैं, एग्जैक्टली ऐसे स्टाइल में. अब अगर ये ए से बी था, मैं यहाँ पे आपके पास सी लिख देता हूँ और ये डी लिख देता हूँ. अगर मेरे को स्लोप सी डी लिखना है, स्लोप सी डी, तो स्लोप सी डी, तो डिस्टेंस आपके सी से डी जा रहे हैं ना, तो वाई डी माइनस वाई सी डिवाइड बाई लॉग ओमेगा, कहाँ जा रहे हैं हम लोग, डी पे जा रहे हैं, तो लॉग ओमेगा डी डिवाइड बाई ओमेगा सी. वाई डी माइनस वाई सी, वाई डी की वैल्यू 0 है, वाई सी जहाँ से स्टार्ट किया 40 था, तो 0 - 40 डिवाइड बाई लॉग, ये जो ओमेगा डी बाई ओमेगा सी, इसको मैं फ्रिक्वेंसी के टर्म्स में भी लिख सकता हूँ, तो मैं लिख दिया एफ एस डिवाइड बाई 900. ये भी 2π, ये भी 2π, 2π 2π कैंसिल आउट, तो फ्रिक्वेंसी के टर्म्स में आ गया एफ एच बाई 900 आ गया. तो ये आ गया -40 ÷ log एफ एच बाई 900. तो 40 स्लोप कितना था इस लाइन का, स्लोप सी डी का -40, तो -40 इक्वल टू -40 ÷ log एफ एच बाई 900. -40 - 40 कैंसिल आउट, तो लॉग एफ एच बाई 900 इज इक्वल टू, ये कितना आ गया 1. तो एफ एच बाई 900 इज इक्वल टू शिफ्ट एंटी लॉग 1, दैट मीन्स 10. तो एफ एच की वैल्यू आ रहा है 9000. इसका मतलब ये आपके पास 900 से ज़्यादा है, 9000 आ गया, ये 9000 देख रहे आपके पास, ये 9000. अब ये 9000 आपके पास अगर है, ध्यान से देखना, ये 9000 है, दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है, तो 9000 - 30, तो 9000 एफ एच की वैल्यू और ये 30, दोनों में से जैसे ही माइनस किए 9000 - 30, 9000 - 30, तो ये आ गया आपके पास 8000
8970 आपके पास, 30 अगर मैं ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा आपके पास 9000, तो 8930 हर्ट्स आ गया आपके पास। ये आपके पास न्यूमेरिकल डेटा टाइप था, आपके पास 30 माइनस हो गया, 9000 हर्ट्स में से 30 हर्ट्स माइनस हुआ तो 8970 हर्ट्स आ गया। तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, सिर्फ क्वेश्चन स्लोप पे बेस्ड था कि आपको स्लोप को लिखते आना चाहिए। तो जस्ट मैं क्वेश्चन इसलिए सिलेक्ट किया कि जिन लोगों को थोड़ा सा अगर बेसिक्स क्लियर ना हो तो वो एवरेज आपके पास ये स्लोप वगैरह को अच्छे ध्यान से दे कि ए से बी जब आप लिखते हैं तो कैसे स्लोप लिखते हैं, सी से डी लिखते हैं तो स्लोप कैसे लिखते हैं। तो बेसिक क्वेश्चन था, सिंपल था, बट फिर भी आपको आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इस टाइप की चीज़ें आपको हैंडल करते आना चाहिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।